मेरा नाम संदीप कुमार है, मेरे पिता आकाशी ओमदा शर्मा है। ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो दिक्कत है वो तो सर ने आपको बता ही दी है। ऐसा फैमिली में सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि मेरे फादर ने कुछ जो गलत हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। बेसिकली जो 100 करोड़ से ऊपर का जो करप्शन है उसके उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं, सारे सबूत हैं उनके पास। ये जब उन लोगों को पता चला तो उनको एक अरेस्ट करने के लिए एक ऑफिसर को उनके लैपटॉप उनसे छीना गया, उनका मोबाइल उनसे छीना गया इलीगली। क्यों छीना गया कुछ नहीं बताया। 15 दिन तक हमारी उनसे बात भी नहीं हुई कि हमारे फादर कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनके साथ कर रहे हैं, कुछ भी हमें पता नहीं चला। बाद में हमारी उनसे बात हुई, जैसे तैसे बात करी हमने उनसे। उनको मेंटली हैरेस कर रहे हैं वो लोग, एक कहूँ तो टॉर्चर कर रहे हैं, हैरेस कर लिया है कि बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं। पंद्रह दिन तक बात हमारी उनसे हुई नहीं, और कुछ दिनों बाद हमारी बात हुई उनसे तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। चार बार उनको रेफर करा डॉक्टर ने, वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर हैं पहुँच के उन्होंने रेफर करा, उसके बाद भी उन लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं दिया। जब तबीयत काफ़ी ख़राब हुई उसके बाद खाना पूर्ति के लिए उन लोगों ने हॉस्पिटल में पापा को एडमिट करवाया। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या जी, जब परिवार से उन्होंने बात की तो क्या बोला उन्होंने? सर उन्होंने यही बोला कि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई है, मेरा लैपटॉप भी छीन लिया, फ़ोन छीन लिया, बात नहीं करने दे रहे, किसी भी तरीके की रिपोर्ट वगैरह कुछ फाइल नहीं करने दे रहे, जैसे कि बात MHA तक पहुँचाई जा सके। ये लोग उसमें डिपार्टमेंटल वाले थे, कोई और थे? डिपार्टमेंटल वाले सर, डिपार्टमेंटल वाले थे। बिल्कुल प्रॉपर चैनल से सब कुछ मेरे फादर ने करा। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये जो हरासमेंट हुआ उसको, हाँ हाँ करा पापा ने, मगर वहाँ से कुछ बात आई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लगा उनके ऊपर ना, उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगाया कि ये इसने चैनल तोड़ा है, इसने गलत रिपोर्ट की है। उसने कोई चैनल नहीं तोड़ा, ये सारे प्रूफ हैं आपके पास। उसने सबको पहले छोटे से लेकर बड़े ऊपर अधिकारी तक अपने लिखित में आवाज़ उठाई है, और जब उनका नहीं सुना गया तो उसने MHA में भी किया है। अब इसको आप ब्रेकिंग चैनल बोलोगे तो ये तो नहीं माना जाता। ये हमारे पास कितना समय हो गया इसको, जो अभी इनको जुलाई 20 से चल रहा है, हाँ जुलाई 20 से उनका चल रहा है, और अभी भी उनकी तबीयत खराब है क्योंकि उनके लड़के हमारी तो बात होती नहीं, इनसे बात होती ना, हमारे पास उनका नंबर है। हमने तब जो उनका वीडियो आया था, वीडियो देखा भाई, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, उनके वाइफ का वीडियो था, अब उनका भी मेरे साथ ऐसे ऐसे क्या है। देखिए हमारे साथ है ओमदास शर्मा जी के बेटे, जो आज उनको जो है नज़रबंद कर दिया गया है, और भी हम जानेंगे इनसे क्या चीज़ हुई है उनके साथ। उनके बेटे हमारे साथ हैं जिनका नाम है संदीप कुमार, जिनका नाम है संदीप कुमार। आइए इनसे जानते हैं इनके फादर ने जो है इनसे कब मुलाकात करी, क्या क्या इन्हें बताया, क्या क्या उनके साथ हो रहा है, आर्मी द्वारा उनके साथ क्या क्या हो रहा है। मेरा नाम संदीप कुमार है, मेरे पिता इस समय TWICE ओमदास शर्मा असम राइफल्स में सेवारत हैं, करीबन 20-22 साल उनकी सर्विस को हो गए हैं। ये मामला करीब जुलाई 20 का है जब मेरे फादर ने असम राइफल में करीबन 100 करोड़ से ऊपर हो रहे करप्शन के बारे में आवाज़ उठाई थी, और उसके सबूत मेरे फादर के पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास हैं। मेरे फादर ने थ्रू प्रॉपर चैनल उन चीज़ों को MHA को बताया। जब ये बात उनके सीनियर ऑफिसर्स को पता चली कि उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मेरे फादर का लैपटॉप फ़ोन उनसे छीन लिया गया, जिससे कि मेरे फादर आगे किसी भी तरीके की आवाज़ ना उठा पाएँ, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट आगे किसी हायर अथॉरिटी को ना भेज पाएँ। एज अ फैमिली मैम 15 दिन तक हमारे फादर से बात तक नहीं हुई थी कि वो कहाँ हैं, उनकी हालत कैसी है, उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनके साथ तो मेंटल टॉर्चर हो ही रहा था, हमारे साथ भी उस तरह मेंटल हैरेसमेंट हुआ। अपने फादर से हम बात नहीं कर पाए 15 दिनों तक। मेरे फादर को हाउस अरेस्ट में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई हायर अथॉरिटीज़ ने असम राइफल की। और प्रेजेंट मामला में ये है कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। असम राइफल की सीनियर डॉक्टर्स ने मेरे फादर को 3 बार रेफ़र करा कि इस इंसान की जो हालत है वो काफ़ी सीरियस है और इसको बाहर लेकर जाओ, ट्रीटमेंट कराना है, उनकी कमर में काफ़ी दिक्कत हो गई थी। वो ना देखते हुए उन लोगों ने सिर्फ पेन किलर मेरे फादर को दिए, एक बहुत ही इनह्यूमन तरीके से उनको ट्रीट किया, बेसिक ह्यूमन राइट भी नहीं दी उनको कि उनको इलाज तो कम से कम करा दो। एक ऑफिसर है, वो एक
सेवा में हैं, सेवारत हैं। चौथी बार जब उनकी मेरे फादर की हालत बहुत ख़राब हो गई, तब उनको वो लोग एक खानापूर्ति के लिए हॉस्पिटल लेकर गए, उनको इलाज करवाया, जिसमें ये पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। वो इस समय बेड रिडन है, चल फिर भी दिक्कत कैसे हुई, क्या लगता है? क्योंकि उन लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं होने दिया, पिछले 3 बार उनको रेफर किया गया, उनको सिर्फ पेन किलर दिए गए, ट्रीटमेंट नहीं दिया उनको। अगर ट्रीटमेंट देते तो मेरे फादर की इतनी तबीयत ख़राब ना होती, उनकी हालत ख़राब ना होती। आज भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, फॉर नेम से ट्रीटमेंट है, जिससे कि बस वो एक दिखा सके कि हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। आज हालत बहुत ख़राब है उनकी, क्योंकि उन्होंने करप्शन के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जो कि सबूत भी उनके पास हैं। अभी आप बता रहे थे कि हाउस अरेस्ट भी किया गया। हाँ, उनको हॉस्पिटल में जाने से पहले उनका हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जिससे कि वो आवाज़ ना उठा पाए, आगे बाहर ना निकल पाए। अभी लास्ट मुलाकात कब हुई है? मैम, मुलाकात तो मेरे फादर की करीबन 7-8 महीने पहले हुई थी मेरे से। तब भी वो अपनी छुट्टी पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता चला कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो लोग किसी तरीके का इल्लीगल एक्शन मेरे फादर के खिलाफ ले रहे हैं। इल्लीगल एक्शन है टोटल, क्योंकि मेरे फादर ने आवाज़ उठाई है, वो लोग दबाना चाहते हैं उसे, क्योंकि सबूत भी है मेरे फादर के पास। मैम, इसमें दिक्कत हमें एक ये है कि MHA से अभी तक कोई भी, गृह मंत्रालय से कोई भी एक प्रॉपर वो नहीं आया कि हम इस पर कुछ करेंगे। कोई इंक्वायरी नहीं आई, कोई ढंग की इंक्वायरी नहीं आई। इंक्वायरी आई भी तो असम राइफल को इंक्वायरी दे दी, जिसने चोरी करी उसको बोल रहे कि तुम अपनी चोरी खुद पकड़ लो, वो लोग तो ऐसा करेंगे नहीं कभी भी। तो यही हुआ है, और एज अ फैमिली हमारी अब कुछ डिमांड्स ये हैं कि मेरे फादर को किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अटैच किया जाए, जिससे कि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनकी जान बच सके, उनकी स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी दिक्कत आ चुकी है। और जो सेकेंड हमारी डिमांड है वो ये है कि मेरे फादर को एक थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करवाई जाए, जो सबूत उन्होंने दिए हैं वो उनके ऊपर निष्पक्ष जांच हो, और जिन लोगों ने करप्शन किया है उनको सजा हो। क्योंकि ये जो चीज़ मेरे फादर ने उठाई है कोई पर्सनल नहीं है, देश के लिए है, जवानों के लिए है, इससे उनका पर्सनल कोई गेन उन्हें नहीं होने वाला। तो यही हमारी एज अ फैमिली डिमांड है मंत्रालय से, लोगों से, ये मीडिया से, कि आप इस आवाज़ को उठाएँ। अच्छा, जो आपके फादर के जो उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, वो कब जारी किया था? मैम, उसको करीबन 1-1.5 महीना हो गया है तब करा था उस वीडियो को, परेशान होके करा था क्योंकि कोई और सुनाई नहीं। तो उन्होंने ये बातें रखी थी जो राइफल, जो असम राइफल में जो घोटाला हो रहा है उसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, फादर ने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे उसमें, और भी बातें रखी थी, खाली ये एक चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जवानों के साथ भी बहुत कुछ करते हैं ये लोग। अब इस समय फादर कहाँ है? मैम, इस समय मेरे फादर मणिपुर में है कहीं पर, आपको पता नहीं है? मैम, एक्चुअली वो लोग किसी इंटीरियर इलाके में कहीं जंगलों में है, वहाँ पे कोई प्रॉपर मेडिकल नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, बस वहाँ पे रखा हुआ है। संपर्क होता है या दूरभाष द्वारा, टेलीफोन द्वारा? हम कुछ दिनों पहले संपर्क मेरा उनसे हुआ था, काफ़ी अंडर स्ट्रेस हैं वो, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है उनको एक तरीके से। हम यही है, हम तो सिर्फ मीडिया से ये गौर कर रहे हैं कि मंत्रालय तक बात पहुँचे, क्योंकि मंत्रालय कुछ कर नहीं रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार तक बात पहुँचे, सरकार एक निष्पक्ष जाँच बैठा दे कम से कम। किस चीज़ की जाँच है आप, कहाँ कहाँ किन किन से मांग रहे हैं कि ये जांच होनी चाहिए? मैम, हम चाहते हैं कि CBI, ED से कोई जांच हो, जो 100 करोड़ से ऊपर का करप्शन हुआ है उसके जो सबूत मेरे फादर के पास हैं उनके ऊपर जांच हो, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। ठीक, थैंक यू।